एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी अगेन। सो कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि आज पता है क्या है, आज है 16 जून, यानी आज है मीठी का बर्थडे। मतलब बर्थडे मतलब इसी दिन पे ना पिछले साल वो हमारे घर पर आई थी, तो उसी दिन को मैंने मतलब एक साल तो हो गया हमारे घर पर वो आई है, तो उसी दिन को मैं मीठी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। जैसे कि मीठी एक इंडियन ब्रीड है, मतलब स्ट्रे डॉग थी, तो उसका एग्जैक्ट डेट बर्थ तो मुझे मतलब टाइम तो मुझे नहीं पता, तो मुझे इतना पता है जब वो हमारे घर पर आई थी तब वो मतलब शी वॉज 2 मंथ्स ओल्ड, मतलब डॉक्टर ने कहा था 2 महीने की ये बच्ची थी। तो ऐसे तो नहीं होता, तो जिस दिन वो हमारे घर पर आई है उसी दिन को मैं उसका 1 साल का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। वैसे भी बहुत ही मतलब हमारे लाइफ में आने के बाद मीठी ने हमारा पूरा लाइफ ही चेंज कर दिया, बहुत स्पेशली मेरी मम्मी की, मुझसे भी ज़्यादा मेरी मम्मी की, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बाहर रहती हूँ, कोलकाता पर रहती हूँ, और मेरी मम्मी यहाँ पर त्रिपुरा पर अकेले अकेले रहती है। तो मीठी आने के बाद मम्मी का जो अकेलापन है ना वो बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। तो मीठी हमारे लाइफ में आप कह सकते हो भगवान का भेजा हुआ एक तोहफा ही है। तो अभी बर्थडे गर्ल को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कर रही है मीठी। ये देखो मम्मी गई है थोड़ा सा बाजार दीपंकर के साथ, और इसी वजह से वो गेट पे जाके बैठी। ये देखो आए मीठू आ गई है बाजार से, और मीठी को देखो क्या क्या लाई है, देखने जा रही है मीठी। कुछ मीठी का चिकन है यहाँ पर, मीठी को पता चल गया इसलिए सुन रही है। अभी मम्मी के पीछे पीछे बाथरूम तक चली जाएगी, ये किचन बाथरूम, मतलब मम्मी जहाँ जहाँ जाएगी मीठी वहाँ वहाँ होगी, क्योंकि उसे पता है चिकन है उसका। देखो कितना ज़्यादा खुश है। ये देखो थोड़ा सा प्यार कर दो वरना नहीं रुकेगी। देखिए जब भी कोई बाहर से आता है तो मीठी ऐसे ही वेलकम करती हर बार। उली बुफली उली बुफली। किची दे दिया मीठी। अच्छा अब उसको अंडा चाहिए। अंडा खास ना तू, चल चल खास। तो आज तो कुछ स्पेशल होगा ही ब्लॉग में, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पर मैंने मीठी के लिए एक अंडा बॉयल होने के लिए रखा है, आज दोपहर को अंडा मिलेगी। तो आज जैसे कि मीठी का बर्थडे है तो उसको थोड़ा सा तो स्पेशल फील करवाना ही पड़ेगा। मैं ट्राई कर रही हूँ जितना पॉसिबल हो सके उसको खुश करने की। तो मैंने आज मम्मी से कहा है कि मीठी के लिए एक अंडा और एक फिश जो है बॉयल कर देना। और मीठी तो हर दिन मतलब डेली चिकन ही खाती है, सुबह दोपहर और रात को चिकन और राइस खाती है, बीच में थोड़ा सा पेडिग्री खा लेती है, कभी कभी ये भी स्किप कर देती है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने मम्मी को कहा आज अंडा भी डालेंगे और पनीर भी देंगे और फिश भी देंगे, उसके साथ चिकन भी देंगे। लेकिन पनीर जो है दुकान में नहीं मिली मम्मी को, तो मम्मी बोल रही थी कि सुबह मैंने चिकन और फिश बॉयल कर दिया है, तो दोपहर को तो अंडा उबाल लेना, उसके साथ पेडिग्री थोड़ा सा दे देना, मतलब सभी जो है मीठी के फेवरेट फूड है, कोई फेवरेट खाना है वो डाल देना, अच्छे से खा लेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं तो मैंने ये अंडा उबालने के लिए रख दिया है। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, अभी भी बारिश अभी तक नहीं आई है, लेकिन एक ही चीज़ की ही कमी है, वो है अगर मीठी का गिफ्ट जो मैं उसको देने वाली थी वो आ जाता तो, लेकिन मुझे नहीं लगता आज आने वाला है, बट आ जाता तो अच्छा होता। आ गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। और यहाँ पर देखो डिलीवरी बॉय को देख कर मीठी कैसे भौंक रही है, भाग रही है। मीठी ये क्या आया है, मीठू ये क्या आया है, देख लो ये क्या आया। बोलो बोलो चलो घर जाकर दिखाती हूँ, अंदर जाकर दिखाती हूँ, चलो चलो। वो मीठी कितना ज़्यादा क्यूरियस है अपनी बर्थडे गिफ्ट देखने के लिए, उसको तो पता भी नहीं है। अच्छा सूंघ लिया। अच्छा मीठू ऐसे नहीं, छोड़ो मीठू, छोड़ो पहले अंदर आने दो। अच्छा तुम ही खोलना, पहले अंदर आने दो। तो
यहाँ पर मैंने मीठी के लिए एक फूड बोल ऑर्डर किया है एंड मुझे लगा था ये आज नहीं आ पाएगा, मेरा मूड थोड़ा थोड़ा सा ऑफ हो गया था। मैं सोच रही थी, मतलब खुद को ही मन ही मन में गाली दे रही थी, कोस रही थी कि पूरे दिन और पहले क्यों नहीं ऑर्डर किया। तो फाइनली आ गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये आज आ जाएगा। तो आज मीठी का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन सभी गिफ्ट देंगे, और अगर मेरा वाला ना आता तो मेरा मूड ऑफ हो जाता। ओके, देखो कितना ज़्यादा प्यारा है ये, मुझे पड़ा है ₹183 का। मैं सोच रही थी कि क्या दूँ, सब कुछ तो है उसके पास। और षोष्ठी के दिन भी मैंने एक क्या बोलते इसे बेल्ट दे डाली है, कुछ दिन पहले भी एक घुंघरू वाला जो है वो डाली है। तो क्या दूँ, अचानक से ये नज़र में आ गया तो मैंने कहा चलो मीठी का तो ये नहीं है, ये ही दे देती हूँ, इसके अंदर वो खाना खाए। अभी तो वो मतलब हमारा जो प्लेट है ना प्लास्टिक का प्लेट, उसके ऊपर खाना खाती है, तो अब से इसमें खाना खाएगी। ये क्या है मीठी, ये क्या है मीठू, इसके अंदर तो खाना खाएगी मीठू, एक और ऑर्डर कर देती अच्छा होता। ये क्या कर रही है, अरे ये खाना खाने की चीज है। मेरी प्यारी मिट्टू, मेरी बोली मिट्टू, अरे ये फूड बोल है, इसके अंदर खाना डालूंगी चिकन वगैरह और तू खाएगी। क्या कर रही है मिट्टू, एक और ऑर्डर कर देती तो पानी का भी हो जाता। कोई बात नहीं, बाद में ऑर्डर कर देंगे, देखना था मुझे कैसा आता है, क्वालिटी कैसी आती है, अच्छा ही आया और मिट्टू को भी पसंद है। ओह क्या कर रही है मिट्टू, ये पसंद आया ये, अरे गिर जाएगी मिट्टू। तो गाइस मीठी का खाना बिल्कुल रेडी हो गया, ये रहा उसका फूड बोल। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी पेडिग्री, थोड़ा सा ही पेडिग्री डाल रही हूँ क्योंकि अभी इतना सारा है, फिश है चिकन है तो ना भी खाए इतना ज़्यादा, वो ज़्यादा नहीं खाती है। यहाँ पर है मीठी का चिकन, तो एक चिकन लेग पीस मीठी के लिए, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर है फिश इस साइड पे, चिकन है मीठी का बहुत फेवरेट, उसके बाद फिश है, तो अंडा ना भी खाया, मतलब कभी कभी स्किप कर देती है अंडे को ये, तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा पीस करके दे रही हूँ ताकि खा ले इस तरीके से। हो गया ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा और ग्रेवी ऐड कर देती हूँ और पनीर होता तो अच्छा होता, देखने में अच्छी लगती, लेकिन पनीर नहीं है, क्या कर सकते हैं। एक और लेग पीस दे देती हूँ, बोनस तो आज के दिन मिलना ही चाहिए, बर्थडे है भाई। बस हो गया मीठी का बर्थडे लंच रेडी, को खाना दे देते हैं, देखते हैं। अरे यहाँ पर आके खड़ी है मीठी, चलो चलो ऊपर, चलो चलो ऊपर, चलो खाना खाएंगे मीठी, चलो खाना खाना है, खाना है, भूख लगी, चलो 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 ऊपर, चलो चलो, मेरे पहले ही दौड़ के भाग के जा रही है, चलो 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 चलो, आज सवर नहीं हो रही है ना, चलो 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 भाई, चलो चलो। मीठी का खाना लेकर आ गई हूँ, अभी दे देते हैं, चलो बेचारी भूख लग गई है शायद, चलो खा लो, पहले जो चिकन लेग पीस है वही उठाएगी शायद, ठीक है चलो खा लो। बोले वो भी पसंद आया मीठू को, मीठू को पसंद आया क्या हुआ, खा लो जल्दी खा लो। A few moments later. ये देखो खाना वाना कंप्लीट करके मीठी यहाँ से, यहाँ पर थोड़ा सा छत पे घूम फिर रही है, और आज का जो मेरा मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। मतलब जब आपके बच्चे एकदम पेट भर के खुश होकर खाना खाता है ना, तब जैसी फीलिंग होती है एक माँ की, वही मेरे अंदर अभी आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर रोज़ ही वो पेट भर के खाती है, लेकिन आज का खाना मैंने थोड़ा सा उसको स्पेशल खिलाने की कोशिश की, सब एक साथ चीज़ें देकर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी देखो मीठी क्या कर रही है, यहाँ पर ये यहाँ पर चर जाती है, ठीक है ये चर कर उधर से रास्ता वगैरह देखती रहती है, और दीपंकर मुझे डांट रहा है कि
कि मैं इसको ये सब सिखाती हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये सब इसको नहीं सिखाया। ये खुद ब खुद यहाँ पर चढ़ जाती है, चढ़ के वहाँ से नीचे से रास्ता देखती रहती है। मीठी मीठी चलो नीचे, चलो चलो आशो आशो आशो। ओले बाबले ओले बाबले। ओ मीठू हैप्पी बर्थडे, मीठू मीठू हैप्पी बर्थडे। चल आ जा आ जा आ जा मीठी आ जा। कौन कहेगा कि अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। देखो कितना अंधेरा कर रखा है और मुझे लग रहा है कि बारिश भी शायद आने वाली है। मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ बारिश ना आए, फिर हम कैसे जाएंगे। मीठी को शाम को लेकर घूमने जाना है, थोड़ा सा मंदिर जाना है। यहाँ पर देखो मीठी क्या कर रही है। मीठू क्या कर रही है, मीठू मेली मेली बच्चा क्या कर रहा है, मीठू मीठू क्या कर रही है। आप सभी भी मेरी मीठी को प्रे करना, मीठी के लिए आशीर्वाद देना ताकि मीठी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए। और मीठी के जैसे जितने भी हैं बाकी सारे मीठी के फ्रेंड्स रास्ते पर, वो सभी भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाए। उन सभी बज रहे हैं 4:30, ये देखो। और इस वक्त बाहर का हालत देखो, मैं तो टेंशन में आ गई। मीठी को लेकर सोचा था बाहर जाऊंगी थोड़ा सा, मगर अब कैसे जाऊं, इतनी हालत ख़राब है। बाहर पूरा अंधेरा हो गया है। हे भगवान, कितना अच्छा मौसम है, लेकिन कैसे जाऊँ मीठी को लेकर। मौसम तो अच्छा है लेकिन जाना तो पड़ेगा, मुझे भी पता है, लेकिन ऐसी मौसम में कैसे जाऊँ। बारिश स्टार्ट हुई नहीं, लाइट चली गई। अभी तो मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है। अभी अभी केक बनाना भी बाकी है, तो कैसे क्या सब कुछ करूँगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बाहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर बहुत ज़्यादा तूफान आ गया तो मैं कैसे जाऊँगी, मूड ही ऑफ हो गया मेरा। 2000 years later. अभी 7:45 बज गए हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं और मीठी को भी मैंने रेडी करवा दिया है। तो चलिए अभी निकलते हैं, सबसे पहले जाएंगे मंदिर। और अभी मुझे पता भी नहीं है कि अभी खुला रहेगा या नहीं। खुला ना भी रहे तो भी कोई बात नहीं, हम बाहर से जस्ट दर्शन करके आ जाएंगे। और जो है मनाली जा रही है दीपंकर, और मैं जा रही हूँ मनाली, थोड़ी सी पानी पूरी खाएगी इसकी वजह से उसको लेकर जा रही हूँ। थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर के आ जाएगी, आने के बाद फिर से आके मुझे केक भी बनाना है। बारिश ने ना सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, तो चलो अभी जाते हैं। गाइज देखो, दीपंकर के साथ मीठी कितने अच्छे से घुल मिल गया है इन कुछ दिनों में। कितने अच्छे से खुश होकर दीपंकर के साथ ये घूम फिर रही है। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हम वॉक करवाएंगे मीठी को, घूमेंगे फिरेंगे आज। तो इस उस पार पे है काली मंदिर, उस साइड पे अभी हमें जाना है। दीपंकर गया है मीठी को लेकर, अभी मैं जाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा अभी इस रोड पर ट्रैफिक होती है, तो थोड़ा सा रुक के जाना पड़ेगा। मुझे पहले से तो थोड़ा डाउट था कि शायद मंदिर के अंदर मैं मीठी को ना ले जा पाऊँ। तो वहाँ पर जाके दीपंकर ने पहले ही जो ब्राह्मण थे वहाँ पर पुरोहित जी, उनको पूछ लिया था कि क्या हम मीठी को अंदर ला सकते हैं, क्योंकि उसके नाम पर ही हमें पूजा देना था। तो उन्होंने ना कर दिया था, मतलब मना कर दिया था, कहा था कि उसको बाहर छोड़ के आप लोग आ जाओ तो क्या कर सकते हैं। उसको बाहर ही छोड़ के हमने पूजा किया और आते वक्त रिक्शा करके हम लोग घर वापस आ गए थे। सो गाइज, हम लोग अभी घर पर आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 9:30। बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है, सब गलती ना वो बारिश की है। तो अभी घर आके थोड़ा सा मैं फ्रेश हुई हूँ, अभी जो है केक बनाने का प्रोसेसिंग स्टार्ट करूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, अदरवाइज और भी ज़्यादा हम लेट हो जाएंगे। तो चलिए गाइज, अभी हम सबसे पहले केक बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप नहीं, 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। इसको हम एक बड़े से बोल में डाल देंगे, ठीक है। अभी हम लेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बस इतना सा लेना है ताकि केक जो है थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। एक अंडा लेंगे, तू वहां पर ही खरीदे, एक अंडा देंगे। और इस केक का जो सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है वो है चिकन कीमा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमने पहले ही चिकन कीमा करके रखा था, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे।
चिकन में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालने वाली हूँ क्योंकि मेरी जो पप्पी है उसे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हमने 200 ग्राम चिकन लिया है, उसको हमने अच्छे से मिक्सचर जार में ग्राइंड कर लिया है। अभी हम डालेंगे आधा कप, जितना कप हमने मैदा लिया था ना उतना कप ही हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ऐड करेंगे। उसके बाद आप इस तरीके का एक मिक्सचर यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथों से ही मिक्स कर सकते हो। ठीक है, मैं पहले इसको नहीं चलाऊंगी, थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लूँगी एंड देन इसको लो मैं इस तरीके से चलाऊंगी। इसका कंसिस्टेंसी देखिए, अभी इतना ज़्यादा थिक भी नहीं है और इतना ज़्यादा रनी भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करूँगी, इसलिए मैंने पहले पूरा दूध ऐड नहीं किया था। तो गाइस देखो, यहाँ पर हमने पहले जो केक का बोल है उसको थोड़ा सा ऑयल देकर ग्रीस कर लिया है और यहाँ पे एक बटर पेपर भी दे दिया है ताकि केक जो है नीचे से जल ना जाए। अभी जो है हम बैटर इसमें डाल देंगे पूरा। मैंने पहले ही ना कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, ये अच्छी तरीके से हीट हो गई है। अभी इसमें मैं ये जो बर्तन है मतलब केक का जो बोल है बनाने का, इसको सावधानी से रख दूंगी और अब इसको मैं ढक दूंगी। तो देखो इसको अभी मैंने ढक दिया है, इसको 30 मिनट्स के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, 30 मिनट्स बाद ये होगा या नहीं मैं देखने आऊंगी। तो मम्मी ने अभी स्विगी से खाना ऑर्डर किया था मीठी का, तो मीठी का अलग से खाना है, मुझे दे दो, अलग से खाना है और उसके ऊपर चिकन कीमा केक भी मैं बना रही हूँ, तो ये हम सभी का खाना है रात का डिनर। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर दी है, सबसे पहले यहाँ पर है बटर चिकन, इसके साथ रोटी घर पर ही सुबह बनाया गया था वो खा लेंगे, और यहाँ पर है बिरयानी। तो जो क्वांटिटी दे गई है ना मतलब हम तीनों की आराम से हो जाएगी, मीठी के बर्थडे स्पेशल है ये। अभी हम थोड़ा सा घर को डेकोरेशन वगैरह करेंगे, उसके लिए देखो जो मैं बलून्स वगैरह लाई थी ना, मनाली यहाँ पर हेल्प कर रही है हमारी, और मनाली आप लोगों को बताया मीठी की बड़ी बहन है ना, और मम्मी भी बलून्स को फुलाने में हेल्प कर रही है। क्या हुआ, होल है इसके अंदर? देखो अदरवाइज दूसरा ले लो, बहुत सारे है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो क्या हुआ ज़्यादा मत फुलाना, ठीक है, छोटा छोटा करके। और यहाँ पर कल जो दीपंकर का बर्थडे हुआ था उसके लिए ये हैप्पी बर्थडे वाला टैग लगाया गया था, आज मीठी का बर्थडे है तो इस वजह से हमने इसे खोला नहीं है। तो चलो अभी काम करते हैं, सबसे पहले ज़्यादा मत फुलाना। गाइस देखो हमारा केक बिल्कुल बनके रेडी है, आई होप ये अच्छा होगा दिखने में भी, मतलब दिखने में तो अच्छा ही हुआ है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्लफी एंड सॉफ्ट बनी है, आई होप खाने में भी ये अच्छी हो। तो अभी इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो मम्मी बोल रही है कि मीठी के जन्मदिन के लिए मम्मी ने ये पेडिग्री उसको गिफ्ट किया है, तो अभी दे रही है मम्मी, क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा मेरी जो केक है उसको डेकोरेशन वगैरह करूँगी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि मैं कोलकाता से आते वक्त मीठी के लिए ये बटरफ्लाई विंग्स जो है वो ख़रीद कर लाई थी, मीठी के बर्थडे के लिए ही मैं इसको ख़रीद के लाई थी। अच्छा लगता है, मैंने इंस्टाग्राम में एक डॉग को देखा था ऐसे, तो देखो मैं मीठी को पहनाने की कोशिश कर रही थी और मीठी को तो आदत नहीं है ना, इस वजह से उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो चेयर से उतार के मतलब भागने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मैंने पकड़ लिया था। লজ্জায় সে বুঝলো দিছে।
আর খালি গন্ধ শুকতাছে রে মাংসের গন্ধ না না কিছু করতা তুই মাংসের গন্ধে ভাই যে কালি শুকা শুকি শুকা শুকি ইয়ার আর ওই লাইফ সে গলা পাতা না ইয়ার এই স্টিকটা তো হতো চুকু চুকু এই তে আসে না এই ওই যে ওই যে ওই দিকে তাকাও দিকে দুবার দিতা না দাঁত তো শুনি না জুগা দিয়ে দিয়ে আমি দাও 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 দিয়ে দাও আচ্ছা দাও ওকে দাও ওতে মানালিতে মাকে এইটা কিরকম জ্বর তুই এবার এদিকটা ঘুরে যা हजार साल जियो अच्छे से जियो और हमेशा मेरे साथ रहो मिठू माँ गुजू गुजू बाबा ले मिठी चलो 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 केक काट पे चलो मीठी बॉल नहीं दे रही है ये जो दीपंकर लाए थे मीठी के लिए दी कैथलीन से बर्थडे गिफ्ट देखो कैसे पकड़ के बैठी है बहुत ज्यादा पसंद आई मीठी को ओले ओए फूफी मेरी बटरफ्लाई मीठी अब दो दे ओए सुन ओए सुन ओले 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 कितना ज्यादा क्यूट लग रही है मेरी मीठी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर मीठी हैप्पी बर्थडे टू यू अरे मीठी देखो एक एक करके सारे जो पेडिग्री है वो खा रही है कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है मेरी मीठू वैष्णव बेडी भी थोड़ा सा बाहर निकले हैं जो केक हमने बनाया था और एक पैकेट पेडिग्री हमने ली है जो मीठी के फ्रेंड्स हैं बाहर हमारी जो कम्युनिटी डॉग्स है उनको खिलाने के लिए और यहाँ पर देखो मीठी कितनी ज़्यादा खुश है आज मीठी का तो आज खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और ये देखो ये देखो हमने ली है देखो गाइस बहुत ज़्यादा रात हो गई है रात के 1 बज गए हैं ठीक है तो अभी हम सब मीठी के बर्थडे का खाना खाने बैठ गए हैं मिलजुल के सभी खा रहे हैं यहाँ पर है बटर चिकन यहाँ पर है बिरयानी और वहाँ पर है रोटी यहाँ पे फिश करी भी है मम्मी खाएगी चलो यहाँ पर दीपंकर बैठने वाला है हाथ धोने गया है चलो अभी खा लेते हैं जल्दी जल्दी